लर्न वर्ड विद ईज के अंतर्गत वर्ब फॉर्म्स पे हम ये डाल रहे हैं और इसमें देखो कौन सी वर्ब किस तरह से बनती है, आपको बिना याद करे इसकी फॉर्म से याद हो जाएगी। देखिए सबसे पहले लेते हैं टीच, टीच और कैच, उसके बाद में थिंक, फाइट, बाई और ब्रिंग। थिंक, फाइट, बाई, ब्रिंग और इसमें कौन सी आती है, सीक, सीक। टीच माने सिखाना, सिखाना इसे हम पढ़ाना भी कह देते हैं। तो लर्न माने सीखना और टीच माने सिखाना, ये ध्यान रखना। कैच माने पकड़ना, सब जानते हैं बच्चे, कोई दिक्कत नहीं इसमें। थिंक माने सोचना, फाइट माने लड़ना, बाई माने खरीदना, ब्रिंग माने लाना, सीक माने ढूंढना, ये है। इनकी सेकंड थर्ड फॉर्म बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि सबसे पहले इनमें जो स्वर का पहला, सॉरी व्यंजन का पहला अक्षर है वो देख लेते हैं। जैसे यहां पे क्या है, टा, तो हम क्या सेकंड फॉर्म के लिए यहां क्या लिख लेंगे, टा। फिर इसमें क्या है, का, ये का लिख लिया। यहां पे क्या है, था, क्या है, था, तो अपन ने टी एच लिख ली। यहां पे क्या है, फा, तो अपन ने एफ लिख लिया। यहां पे क्या है, बा, और यहां पे क्या है, ब्र, क्या है, ब्र, और यहां पे क्या है, सा। क्लियर। अब हम क्या करेंगे, ऊपर वाले दोनों में, इसमें ये ग्रुप है आपका ओ ए यू जी एस टी, कौन सा ग्रुप है, ए यू जी एस टी, अथवा एक ही जगह पे अपन क्या कर सकते हैं, ओ कर नहीं सकते, जहां जो होगा वहां वो होगा, ठीक है, हमें कोई अनुमति नहीं है ना आपको, जो है वो है। तो इन दोनों में क्या जुड़ेगा, ए यू जी एस टी, और बकाया सब में क्या जुड़ेगा, ओ यू जी एस टी। तो देखिए इनको थोड़ा सा डॉटेड लाइन से अलग कर देते हैं, टीच और कॉच उसको, तो इसमें जुड़ेगा ए यू जी एस टी, इसमें क्या जुड़ेगा, ए यू जी एस टी, इस तरह से। बच्चे यहाँ पे बहुत बड़ी गलतियां करते हैं एग्जाम की कॉपी में, हमने देखा है और वैसे भी बच्चे करते हैं गलती, कि यहाँ पे टॉट में और कॉट में दोनों में ओ बना देते हैं, जबकि यहाँ पे है क्या, ए। इस चीज को स्टूडेंट्स लोग जो है विशेष ध्यान दें इस चीज, ठीक है। और बकाया सभी में क्या लगेगा, ओ यू जी एस टी, क्या लगेगा, ओ यू जी एस टी, 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 ओ यू जी एच टी, इस तरह से सेकेंड फॉर्म बनी, टॉट, कॉट, थॉट, ये इसी में जुड़ा हुआ है, हमने समझाने के लिए इसको अलग लिखा है, ये ध्यान रखना। क्लियर। जिस सारे के सारे फा इसमें जुड़ा है, था इसमें जुड़ा है, बॉट, फॉट, ब्रॉट और साउथ पढ़ते हैं, इसे क्या पढ़ते हैं, साउथ। तो इनकी थर्ड फॉर्म है वो सेकंड वाली हो जाएगी, क्या हो जाएगी, टॉट, कॉट, थॉट, हॉट, बॉट, ब्रॉट और साउट। समझ में आ गया ये बनाना, बिल्कुल। अब बताओ इनकी ना तो स्पेलिंग याद करनी है और ना इनको याद करना, बस ये स्पेलिंग इस तरह से बनती है। इन दोनों में क्या लगता है, यहां लिख लो, इन दोनों में क्या लगेगा, ए यू जी एस टी, क्या लगेगा, ए यू जी एस टी, जगह खाली छूट जाएगी, और इन सब में क्या लग रहा है, ओ यू जी एस टी, इस तरह से ये है। क्लियर। इनको आप जो है
नोट कर लें और दो तीन बार याद नहीं करना है, दो तीन बार जैसे हम बना रहे हैं ना उसी तरह से आप बना के देखें और जो हमारा वीडियो है उससे इसका मिलान कर लें, एक दो बार में आपको बिल्कुल याद हो जाएंगे, कभी लाइफ में नहीं भूलोगे। थैंक यू।